हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोदोस किशन हरचंदानी, और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक किताब का जो मैंने पढ़ी है। काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था उसका रिव्यू करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो उस किताब का नाम जो है वो है अलोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किताब मेरे पास में है। तो इस किताब का नाम है अलोन, और जिसे लिखा है क्रिस्टोफर शबूते ने। शायद मैं प्रोनाउंस हो सकता है गलत कर रहा हूँ, क्रिस्टोफर शबूते ने लिखा है इसको। उसके अलावा आर्टवर्क जो है अंदर का वो भी उन्हीं का है, और ये देखने में काफ़ी मोटी किताब है। ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कॉमिक्स आई हैव रीड इन अ लॉन्ग टाइम, जेफ लेमायर, ऑथर ऑफ एसेक्स काउंटी। तो ये किसी ने इस बुक के बारे में प्रशंसा की है इसकी, और वाकई में ये किताब जो है ये प्रशंसनीय है, प्रशंसा के काबिल है। और अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं, ग्राफिक नॉवल पढ़ने का शौक रखते हैं, तो ये किताब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। अब इसकी कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है। तो स्टोरी के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर पढ़ने के लिहाज से देखें तो इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं। हालांकि आप इसको देख रहे हैं काफ़ी मोटी किताब है, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसमें डायलॉग्स काफ़ी कम हैं। अगर मैं बोलूँ कि शायद 300 या 400 वर्ड्स के डायलॉग भी इस किताब में नहीं होंगे। तो इस किताब में क्या है, एक्चुअल में इस किताब में जो है वो है आर्टवर्क, जैसे मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। और हाँ, जो आर्टवर्क है वो भी सारा ब्लैक एंड वाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो जितने भी आर्टवर्क हैं वो सब ब्लैक एंड वाइट हैं। काफ़ी कम टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट इसमें काफ़ी कम है। और यूजुअली इसमें आपको ऐसे आर्टवर्क्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो इसकी कहानी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। तो इसकी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक लाइट हाउस में रहता है, और उसने कभी बाहरी दुनिया में कदम ही नहीं रखा। मतलब उसने बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है, क्या है बाहरी दुनिया, कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या होता है बाहर, उसको कुछ भी नहीं पता। और ऐसा नहीं कि वो आदमी कोई यंग है या कुछ है, वो मतलब मिड 40s के की एज में है मेरे हिसाब से, इस बारे में आपको नहीं बताऊँगा। और उसका जो बाहरी दुनिया से कनेक्शन है वो सिर्फ एक ही तरीके से है कि एक ना जहाज़ जो होता है, जहाज़ का एक जहाजी रहता है जो हर हफ्ते इस बंदे को खाना देने आता है जो लाइट हाउस में रहता है, और वो उसे मिलता नहीं है, वो बस लाइट हाउस के बाहर खाना देके चला जाता है। बस इतना सा ही इसका बाहरी दुनिया के साथ में कनेक्शन रहता है इस बंदे का। लेकिन जो ये बंदा जो है जो अकेला रह रहा है, इसके पास एक ऐसी चीज़ रहती है जिससे वो बाहरी दुनिया को इमेजिन करता है, मतलब अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने बाहरी दुनिया नहीं देखी, उसने नहीं देखा पढ़ाई क्या होती है और बाहर लोग कैसे रहते हैं, और उस लाइट हाउस के बाहर की दुनिया कैसी होगी वो उसको री इमेजिन करता है। उसके पास एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है वो आप ये किताब पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पर आपको स्पॉइलर देना चाहता हूँ। तो उसके पास एक वो चीज़ रहती है जिससे वो उस दुनिया को इमेजिन करता है कि बाहर दुनिया कैसी होगी। तो वो जो इमेजिनेशन के जो पैनल्स हैं, मतलब जो एक ऐसा आदमी, आप खुद सोच सकते हैं, एक ऐसा आदमी जैसे पता ही ना हो कि बाहर क्या है, और किसी चीज़ के ज़रिए वो दुनिया को देखता है, मतलब ये वो उसका नज़रिया हो गया कि कैसे वो दुनिया को देखेगा, यही सब इस किताब में है। उसके अलावा जो एक वो जहाजी रहता है जो खाना इसको दे के जाता है लाइट हाउस पे हर हफ्ते, उसका एक असिस्टेंट रहता है जो न्यूली उसको ज्वाइन करता है। तो वो असिस्टेंट का एक आकर्षण हो जाता है इस बंदे के प्रति कि यार एक आदमी सारी ज़िंदगी अकेला रह रहा है, क्यों, मतलब क्या, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, क्या करता होगा वो, ऐसे कुछ उसके मन में आकर्षण हो जाता है इस आदमी के प्रति जो अलोन रहता है, जो अकेला रह रहा है। तो ये जो ग्राफिक नॉवल है ना, इसमें यूजुअली कोई कहानी ऐसी बेसिक नहीं है, लेकिन ये एक ह्यूमन इमोशनल टेल है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे इमोशन देखने को मिलेंगे, ये एक इमोशनल टेल है। उसके अलावा ये जो जैसे इतनी मोटी बुक दिख रही है, तो आपको इसमें पढ़ने के लिए कुछ खास है नहीं, मतलब आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो पैनल्स हैं, जो ब्यूटीफुल पैनल्स हैं, उनको देखना है, उनको समझना है, उनकी काफ़ी डीप मीनिंग है, और उसको समझने के साथ ही आप इसकी कहानी से अटैच हो सकेंगे अगर आप उन पैनल को समझेंगे। तो पढ़ने के लिए कुछ खास है नहीं इसमें, मैं पहले फिर से एक बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप वाकई में कुछ क्वालिटी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी राइटिंग या क्वालिटी विजुअल्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये वो क्वालिटी एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगे थे इसको पूरी फिनिश करने में, क्योंकि इतनी मोटी है, लेकिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप जल्दी फिनिश कर सकते हैं। हो सकता है कई लोग उससे भी जल्दी फिनिश कर दें, पन्ने पलटते हैं, लेकिन
पन्ने को पलटने में वो मज़ा नहीं है जो उन पन्नों को समझने में है कि आप जो चित्र बने हुए हैं इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे चित्र बने हुए हैं कुछ एक, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा अदरवाइज स्पॉइलर हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी ब्लैक एंड वाइट और काफ़ी सटल टाइप का आर्टवर्क है। इस आर्टवर्क को आप समझिए कि ये किस तरीके का आर्टवर्क है, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी सटल टाइप का आर्टवर्क है। और इसका कनेक्शन है काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ में, जो बंदा रहता है लाइट हाउस पे, इसका काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंस कनेक्शन है। और वो कनेक्शन आप जब इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप जान पाएंगे, आप फील कर सकेंगे, आप महसूस कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी किताब थी, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। इसको आप हार्ड कवर कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर हार्ड कवर नहीं है क्योंकि इसका कवर थोड़ा सा मुड़ जाता है, लेकिन प्रॉपर पेपर बैग भी नहीं है, तो उसके बीच में कुछ है। ये amazon.in पे अवेलेबल है इंडिया में, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर आप वाकई में कुछ क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो मैं इस किताब को हाईली रिकमेंड करूँगा। इनफैक्ट जो लोग कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवल में दिलचस्पी नहीं भी रखते हैं ना, उनके लिए भी ये किताब वाकई में एक विजुअल ट्रीट साबित होगी, ऐसा मतलब मेरा अनुमान है या मैं विश्वास से कह सकता हूँ। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, इसके बाद आप इस किताब को खरीदिए, पढ़िए। और आपको कैसी लगी ये बुक, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के बुक्स के, मूवीज़ के, गेम्स के वीडियो लाता रहता हूँ। और उसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले अपडेट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।